नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या करें खास जिससे ग्रहों की चाल आपके साथ हो जाए। और गुरु जी से जानिए कैसे आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को कर सकते हैं साकार। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी का आह्वान और गणेश जी की कृपा से आपके पास सुख शांति समृद्धि आती है, ये सर्वविदित है। लेकिन इसके साथ ही ये कहा गया है कि गौ सेवा प्रधान सेवा है और जिसने गौ की सेवा की है उसके जीवन में हर प्रकार का कष्ट दूर हुआ है, ये भी पूर्ण सत्य है। लेकिन गाय की पूजा से कैसे आर्थिक समृद्धि आएगी? गाय में, गौ में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ पूजन से सभी देवता को प्रसन्न करना है तो केवल गौ सेवा से। गौ को चारा, हरा चारा, गुड़ इत्यादि आप कर सकते हैं, खिला सकते हैं। वैतरणी पार करने में गोदान का बड़ा महत्व है। काली गाय की पूजा करने से नवग्रहों की पीड़ा शांत होती है और गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास माना गया, यानी कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा। गौ माता 14 रत्नों में से एक है। गाय अगर आपकी हथेली पे अगर आप गुड़ रख के और जीभ से स्पर्श कर दे तो ये भी कहा गया है पाप मोचनी, यानी कि पापों का नष्टीकरण और भाग्योदय यानी भाग्य का उदय हो जाता है। गौ सेवा से सुख समृद्धि शांति ये सब मिलती हैं। गौ माता को पृथ्वी का साक्षात देवता माना जाता है। जैसे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में, वस्तु में कोई ना कोई, किसी न किसी शुभ शक्ति का वास होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि गाय में संपूर्ण शुभ शक्तियों का वास होता है। इसीलिए ये अनुभव सिद्ध भी है और जिन्होंने किया है वो ये जानते भी हैं किस प्रकार से केवल और केवल गौ सेवा से आप शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिक जितनी भी आपको मिलेगी, बस जरूरी ये है कि भाव से सेवा करें। तो हमने जाना गौ सेवा का बहुत ही संक्षेप में क्या है महत्व। तो गुरुजी, अब दर्शकों को बताइए कि आज के 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का खास उपाय। मेष राशि वालों, आज सफलता पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ेगा। सहकर्मियों के साथ आदर भरा व्यवहार करें क्योंकि नाराज होंगे तो कार्य विस्तार आपका नहीं होगा, इसकी संभावना बंद हो जाएगी। युवाओं के लिए लेकिन समय अच्छा है। प्लेसमेंट इत्यादि के लिए जहाँ ट्राई कर रहे थे बात करें, घरेलू मामलों में समझदारी भी आपकी लाभकारी हो सकती है। थोड़ा सा कठिन परिश्रम करने से घबराएं नहीं। भगवान भास्कर को लाल पुष्प और रक्त चंदन मिला के जल दे। लाल रंग शुभ है और शुभ अंक आज आपका है 9 का। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले, आपका अनुभव ये बताएगा कि आपका क्या सफलता का प्रतिशत होगा। जिन कार्यों में अनुभव ना हो उसको आप ना सीखने की चेष्टा आज करें। विदेशी कंपनियों से आपको या विदेशियों से कुछ ऑफर मिल सकता है। विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ाई के साथ मनोरंजन में भी साथ देंगे। आपका अनुभव ही आपको जिताएगा, लेकिन अनुभवहीनता वो काम छोड़ना पड़ेगा। भगवान शिव की आराधना आप करते रहें। शुभ अंक 5, शुभ रंग आज आपके लिए है हरा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज के दिन नेटवर्किंग ही आपकी ताकत है। अपने सभी संपर्कों के साथ आप अपने सहयोगी रवैया अपनाते हुए आगे बढ़ें। अचानक यात्रा करने का मौका मिले तो ज़रूर कर लीजिए। ऑफिस के काम से यात्रा इत्यादि या किसी कार्य विशेष से करनी पड़ सकती है जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। कारोबारियों को व्यापार विस्तार के लिए थोड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी, तो नेटवर्किंग का आप सहारा लें और आप आगे बढ़ें। अपने संपर्कों को और सहयोगों को मजबूती भी दें। क्या करना है? गौ सेवा जैसे बताया उसी प्रकार से गाय को गुड़ जरूर खिलाइए। नारंगी रंग आज आपके लिए शुभ है और शुभ अंक आज आपके लिए है 7 का। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, मन में अनावश्यक चिंता करना तनाव बढ़ा सकता है। कामकाज में कुछ गलती आपकी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। खुदरा कारोबारी लेन देन में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। मौसम में जो बदलाव आ रहा है उससे आपका स्वास्थ्य कुछ खराब कर सकता है। अनावश्यक चिंता, अनावश्यक तनाव इसका कारण बन सकता है। तो कामकाज की गलती अगर आपसे हो रही है तो आप उससे घबराइए मत,
पूरी पारदर्शिता से कार्य करिए। जरूरतमंद को भोजन कराना ये बहुत ही अच्छा है। शुभ अंक 3 और शुभ रंग है सफेद। तो हमने देखा राशिवार सिंह राशि पे चलते हैं। आप सूर्य की राशि, वाणी और व्यापार दोनों आपको संयमित रखना पड़ेगा। कार्यस्थल पर अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दें। कामकाज में गलती हो सकती है जिसके चलते बॉस या आपसे वरिष्ठ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। अभिभावक बच्चों की हट पर थोड़ा सा अंकुश जरूर लगाएं। रिश्तेदारी जिम्मेदारी का भाव आपका अपना सम्मान बढ़ाएगा। तो वाणी और व्यापार और व्यवहार तीनों में आप संयम बरतें। हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं, नारियल इत्यादि चढ़ाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग काला। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि आज के दिन आप गुरु को प्रणाम करें क्योंकि आज के ऊपर प्रभाव आपका कामकाज में टीम वर्क पे जोर देने वाला बन रहा है। बुटीक कॉस्मेटिक इत्यादि व्यापार अगर है आपका तो अच्छा लाभ मिलेगा, यानी सृजनात्मक से साथ ऐश्वर्य के काम। कारोबारियों के लिए भी कोई विशेष चिंता नहीं। पीले वस्त्र उपहार के रूप में आप जरूर भेंट करें। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग आज आपके लिए है नीला। बात करेंगे तुला राशि वालों की। आज आपका मन कुछ खिन्न रह सकता है लेकिन चिंता की बात नहीं। कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो तो शांति के साथ चीज़ों का आप आकलन चुपचाप करते रहिए। कार्यस्थल पर सहकर्मी के काम का बोझ आपके कंधे पर आ सकता है। खुदरा कारोबारी हैं तो लाभ के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहें। नौकरी तलाश रहे हैं तो आपको विशेष शुभ सूचना की राहत मिल सकती है। आप भी गाय को गुड़ इत्यादि, रोटी इत्यादि, अन्न इत्यादि जरूर खिलाएं। सफेद रंग शुभ है। शुभ अंक आज आपके लिए है 4 का। अब हम चलते हैं, जानते हैं क्या है उपाय। विशेष रूप से शिव जी को दूध बेलपत्र। और शुभ अंक आज आपके लिए है 5 और शुभ रंग आज आपके लिए है पीला। तो ये हमने जाना धनु राशि का क्या है प्रभाव। जानते हैं महत्वपूर्ण कामकाज के लिए सतर्कता बनाए रखना समझदारी होगी। अपनों से पसंदीदा उपहार इत्यादि आपको मिल सकता है। ऑफिशियल बातों को दूसरों के साथ शेयर करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पुराने निवेश से आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। महत्वपूर्ण कामकाज के लिए सतर्कता बनाए रखना ही समझदारी है। पसंदीदा उपहार आपका मन प्रफुल्लित कर देगा। ऑफिशियली दूसरों के साथ कोई भी सीक्रेट रिवील यानी कि लोगों की तरफ सामने ना प्रकट करें। भगवान विष्णु के मंदिर में आज आपको पूजा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। शुभ अंक 4 और शुभ रंग आज आपके लिए है हरा। तो ये हमने जाना धनु राशि के बारे में। अब हम जानते हैं मकर राशि के बारे में। कठिनाइयों से निपटने के लिए खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ऑफिशियल कामकाज में लापरवाही बिल्कुल ना रखें और इसके साथ ही आनाकानी करना, किसी भी काम में टाल मटोल करना नुकसानदेह हो सकता है। लग्जरी वस्तुओं की बिक्री करने वाले अगर हैं आप तो अच्छा लाभ कर सकते हैं। कठिनाइयों से निपटने के लिए खुद को आप मजबूत लगातार बनाते चलिए। ऑफिशियल कामकाज में कोई भी लापरवाही ना करिए। अपने इष्ट देव को फूल इत्यादि चढ़ाना, इससे आपको हर कष्ट दूर होगा। आसमानी नीला अच्छा है आपके लिए और शुभ अंक आज आपके लिए है 7 का। ये प्रभाव हमने देखा। कुंभ राशि की बात करें, लक्ष्य पाने के लिए आप तालमेल बैठाएंगे लोगों से। शिक्षा विभाग में जाने वालों को अच्छा अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। थोक के व्यापारी बहुत अधिक स्टॉक डंप इत्यादि करने से बचना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री करने वाले कुछ थोड़े परेशान हो सकते हैं। लक्ष्य पाने के लिए सभी के साथ तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। शिक्षा इत्यादि से अगर संबंधित हैं तो उत्तम अवसर भी मिल सकते हैं। गणेश जी की वंदना, गणपति स्तोत्र इत्यादि आप करें, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। लाल रंग शुभ है। शुभ अंक आज आपका है 5 का। तो ये हमने जाना। अब हम जानते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। आज का दिन बहुत ही अच्छा आपका व्यतीत रहेगा, यानी उत्तम समय। बिगड़े मामलों में कुछ राहत मिलने की संभावना दिख रही है। भौतिक स्तर ऊंचा उठाने का आप प्रयास करें तो आप सफल होंगे। नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन आज आपके लिए शुभ है। बॉस और उच्चाधिकारियों के साथ मधुर संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। तो अच्छे दिन का आज आप अच्छे प्रकार से स्वागत करिए। पीतल की वस्तुओं का दान का मतलब गिफ्ट इत्यादि भी कर सकते हैं। शुभ अंक 8 और शुभ रंग भूरा। तो दर्शकों आपने देखा मेष से मीन से मेष पर्यंत सारी राशियाँ। अपनी राशि सभी देखते हैं, अपने अपनों की भी देखिए, सबको गाइड करिए। आपका दिन शुभ। गुरुजी अब दर्शकों को बताइए कि आज का पंचांग क्या कह रहा है और कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल।
दिनांक 16 फरवरी 2022 पूर्णिमा तिथि का माह और आश्लेषा नक्षत्र बुधवार का दिन माघ मास शुक्ल पक्ष 10:32 से 11:14 तक और राहु काल 12:41 से 2:05 तक स्थित है। तो आज आपने जाना कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या करें खास जिससे आपके सपने साकार हो जाए। गुरुजी को आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-40-365-24, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।